प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का, माननीय वीएल संतोष साहब का और सारे के सारे संगठन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को एक जिम्मेवारी दी है। मैं मां वैष्णो से यही प्रार्थना करता हूं कि इस जिम्मेवारी को अच्छी तरह निभाने के लिए मुझे क्षमता दे और मैं जिस मिशन पे पार्टी ने लगाया है वहां पार्टी की कामयाबी हो, पार्टी की मजबूती हो, पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ हर सतह पे काम करके पार्टी को मजबूत करना हर कार्यकर्ता का फर्ज है। और भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक मजबूत संगठन है जिसकी एक बड़ी अच्छी पद्धति और प्रणाली है और जिसमें मेहनत कर रहे अगर आदमी तो उसकी पहचान होती है। मैं आपके माध्यम से पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आज जिस किस्म का भव्य स्वागत मेरे जम्मू आने पे हुआ है उसके लिए अपने सारे साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह का प्रेम भाव इन्होंने आपके सामने आपने देखा दिखाया उसके लिए मैं इनके आगे अपना मस्तक और शीश झुकाता हूं। सर एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए कि हमारे श्रीमान धर्मेंद्र सिंह राणा जी को हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वहां चुनाव प्रभार दिया गया है और बड़ा एक महत्वपूर्ण हमारा राज्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी उसी राज्य से आते हैं और वहां चुनाव होने वाले हैं और चुनावों की दृष्टि से ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला है और हम श्रीमान जेपी नड्डा साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के नेता श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी पर इतना विश्वास जताया। जी अभी जम्मू की जनता भी जो है वो चुनावों का इंतजार कर रही है। जम्मू में कब तक चुनाव रहेंगे? मोदी जी को और अपने गृहमंत्री हमारे अमित शाह जी और नड्डा साहब और अपने पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इतनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है वो हमारे रविंद्र रैना जी को दी है। मैं ये कहना चाहता हूं जो हमारे रविंद्र रैना जी हमारे रविंद्र रैना जी ये एक जम्मू कश्मीर के एक बबर शेर हैं जो कि एक नया जम्मू कश्मीर बना सकते हैं और जम्मू कश्मीर को बदल सकते हैं और जो मुट्ठी भर जो देशद्रोही है उन्हें खत्म कर सकते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं ऐसे लोग आगे आने चाहिए। चलिए सर आपको बुला रहे हैं।